राह चलते लोगों से लूट करने वाले दो शातिर बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक लुटेरे के पैर में लगी गोली, पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल। घायल बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने नजदीकी हॉस्पिटल में कराया भर्ती, इलाज जारी। वहीं आपको बता दें कि शिवम नाम का एक बदमाश मौके से अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार, पुलिस फिलहाल उसकी तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश भरत सक्सेना के कब्जे से अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। सेक्टर 113 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान FNG रोड पर हुई मुठभेड़। आज 19 अक्टूबर 2023 को जब थाना 113 की पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो उसने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को देखा। जब पुलिस ने उनको रोकने के लिए कहा तो वह दोनों FNG रोड के पास से भागने लगे, और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी तो उनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम भरत है उसके पैर में गोली लगी, और दूसरा अभियुक्त जिसका नाम शिवम है वो मौके से फरार हो गया। भरत के ऊपर 27 से ज़्यादा मुकदमे समय दर्ज है, और वह दिल्ली NCR में कई जगह से बातचीत चल रहा है। उसके पास से एक सोने की चेन और एक खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस और एक तमंचा भी बरामद किया। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्दी ही सुनिश्चित की जाएगी। अन्य विधि कार्रवाई प्रशिक्षण